हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं बोट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो इससे पहले मैंने दोस्तों आप लोगों के लिए टाइम एंड डिस्टेंस पे वीडियो बना रखी है। जो लोग पहले से टाइम एंड डिस्टेंस की बेसिक्स जिनकी क्लियर है, वो उन लोगों से आग्रह है कि वो इसका पार्ट 3 ज़रूर देखें। ठीक है फ्रेंड्स, पार्ट 3 से फ़ायदा क्या होगा वो आप इसे देखने के बाद खुद पता चल जाएगा वीडियो के। ओके फ्रेंड्स, और जो लोग बिगिनर्स हैं तो वो 1, 2 और 3 ये तीनों देखें। 1 में मैंने बेसिक्स करा है, 2nd में रिलेटिव वेलोसिटीज़ की कॉन्सेप्ट्स हैं, और 3rd में जो है सो हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स के साथ उसको ट्रिक्स से चुटकियों में हल करने की मेथड बताई गई है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं बोट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम। और हाँ फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने ट्रेंड पे भी वीडियोस जो है सो बना रखी है, तो आपसे आग्रह है कि ट्रेंड वाली कॉन्सेप्ट्स को भी आप लोग पढ़ लेंगे। तो आज की सेशन में एनीबॉडी कैन सॉल्व में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक राज वर्मा, ऑफिशियल नेम अभिषेक राज, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। बोट फ्रेंड्स, आपको पता है कि ये तो पानी में ही चलेंगी, और फ्रेंड्स पानी में चलेंगी तो पानी में चलने का क्या मतलब हुआ कि एक लेट से ये आपकी नदी बह रही है, जिसमें ये एक नाव है। ठीक है, ये एक नाव है। तो लेट से कि दो केसेज हो सकती है ये, कि या तो ये धारा के साथ चले, मतलब ये जो नाव है ये धारा के साथ चले, मतलब फ्रेंड्स इस इंग्लिश में हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं से फ्रेंड्स डाउन स्ट्रीम रेट भी कहा जाता है। तो डाउन स्ट्रीम मतलब हुआ फ्रेंड्स की धारा के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हुआ ये धारा के साथ, मतलब क्या है कि जैसे समझिए कि आप जो है यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, नहीं खड़े नहीं है, चल रहे हैं, लेट से मूवमेंट में है आप इस साइड से। ठीक है, कोई फ्रेंड आता है आपका और बगल से, इसी बगल से आपका हाथ पकड़ के वो भी आपके साथ दौड़ने लगता है, तो आपको पता है फ्रेंड्स कि आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये आप एक से चल रहे थे, ये आपको वाई से आप ही की तरफ धक्का देता है, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, एक्स प्लस वाई है हो जाएगी, है ना। तो आपकी स्पीड तो एक्स वाई से बढ़ जाएगी। तो उसी तरह से फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि जब धारा के साथ चलेगा कोई नाव तो क्या होगा, अगर ठीक है तो पहले तो हम लोग सीख लिए कि धारा के साथ चलने पर स्पीड इंक्रीज होगा, कितना से इंक्रीज होगा हम लोग थोड़ी देर के बाद सीखने वाले हैं। दूसरा केस फ्रेंड्स, ये फर्स्ट केस था। दूसरा केस फ्रेंड्स हो सकता है धारा के विपरीत दिशा में, फ्रेंड्स धारा के विपरीत दिशा कहने का मतलब है अप स्ट्रीम। ठीक है, और कहीं कहीं से फ्रेंड्स अप स्ट्रीम रेट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि धारा के विपरीत दिशा में। अच्छा, तो धारा जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, धारा है ये वाटर की स्पीड। फ्रेंड्स ये क्या है, वाटर की स्पीड है ना, कि आपकी जो वाटर है किस स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो है ना। अच्छा, तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में क्या क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग डाउन स्ट्रीम सीख लेते हैं। डाउन स्ट्रीम, तो सबसे पहले फ्रेंड्स
आपको मानना होगा कि लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज एक्स किलोमीटर पर आवर, है ना। तो लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन अ स्टील वाटर इज एक्स किलोमीटर पर आवर, मतलब फ्रेंड्स जब शांत है, नदी में कोई बहाव नहीं है, किसी भी दिशा में कोई भी पानी का बहाव नहीं चल रहा है, तो उस स्थिति में जो हमारा बोट है, हमारी नाव है, वो एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। अच्छा, एंड लेट द स्पीड ऑफ वाटर करेंट इज वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब है, और ये और क्या की है कि जो धारा है, जो करंट है हमारी, वो वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा फ्रेंड्स, डाउन स्ट्रीम की अगर हम लोग बात करेंगे, डाउन स्ट्रीम की अगर हम लोग बात करेंगे, तो स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप बताइए क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर और प्लस स्पीड ऑफ द वाटर करेंट। तो आपको पता है कि जो अप स्ट्रीम में जो है सो हमारी वेल जो स्पीड होती है बोट की, वो इंक्रीज कर जाती है। कितना से इंक्रीज कर जाती है, तो जितना आपका वो वाटर करेंट का स्पीड होता है। तो इसे हम लोग दोस्तों VD बोलते हैं, वेलोसिटी इन डाउन स्ट्रीम, एंड इट इज इक्वल टू द एक्स प्लस वाई, है ना फ्रेंड्स। उसी तरह से अगर हम लोग अप स्ट्रीम की बात करें, तो आपको तो पता है कि अप स्ट्रीम क्या होगा, कि अप स्ट्रीम में धारा के विपरीत दिशा में चलता है। तो आप अगर आगे से चल रहे हैं और आपको आगे से कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, तो आपकी स्पीड घट जाएगी। तो अगर उल्टा दिशा में चल रहा है, तो स्पीड दोस्तों घटेगी। तो स्पीड क्या, कितना से घटेगी, जितना वाटर करंट का स्पीड होगा। तो स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो इसे हम लोग फ्रेंड्स वेलोसिटी इन अप स्ट्रीम VU बोलते हैं ना, VU, वेलोसिटी इन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, क्लियर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी कुछ बहुत ज़्यादा बहुत बेसिक्स जो सभी को पता होती है, फिर भी मैं उन वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो बनाता हूँ जो मतलब जीरो से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को पढ़ लिया है, तो चलिए हम लोग अब इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और कुछ इसके मज़ेदार ट्रिक्स को एंड टिप्स को देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग अब दो जल्दी से दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इसका देख लेते हैं। तो चलिए, आपको तो पता है कि जो एक मिनट, ये वीडियो थोड़ी साफ नहीं आ रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको पता है कि व्हाट स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर एक्स है, और स्पीड ऑफ वाटर करंट वाई है। तो अप स्ट्रीम रेट क्या होगी फ्रेंड्स, एक्स माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम रेट क्या होगी फ्रेंड्स, एक्स प्लस वाई, क्या होगी फ्रेंड्स, एक्स प्लस वाई। ये तो हम लोगों ने पीछे सीखा है, इसे मैंने यहाँ पे एक जगह लिख दिया है। चलिए, तो क्वेश्चन में लेट से आपको ये अगर ध्यान रहेगा फ्रेंड्स, तो 20 से 30 सेकंड का टाइम आप एग्ज़ाम में बचा सकते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट है, जो ट्रिक है, वो देखिए यहाँ क्या है। यदि क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको कभी भी
दो चीज़ दिया रहे, ठीक है, वेलोसिटी वीडी, वीडी मतलब क्या है, डाउन स्ट्रीम रेट, ठीक है, या वेलोसिटी ऑफ वो बोट इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है, दोनों चीज़ तो एक ही हैं, तो वेलोसिटी और इन अप ये गिवेन हो फ्रेंड्स, दो क्या है फ्रेंड्स, ये गिवेन हो, तो वेलोसिटी ऑफ क्या है, वी यू अप स्ट्रीम रेट। तो फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में, इफ़ आस्क स्पीड ऑफ बोट, फ्रेंड्स क्या पूछा जाए, स्पीड ऑफ बोट, तो आप जल्दी से क्या कर लेंगे, 1/2 इंटू वी डी प्लस वी यू, है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम या वाटर करंट जो भी हो, तो 1/2 इंटू आप क्या करेंगे, वी डी माइनस वी यू कर लेंगे। चलिए तो आप बोलेंगे कि चलिए अभी तो हमने पढ़ लिया, इसे बड़ी अच्छे से याद हो जाएगी, लेकिन अगर 4 दिन बाद अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अगर वी डी और वी यू दिया हो तो स्पीड ऑफ बोट और स्ट्रीम क्या होगा, तो आपको याद आने लगे दोनों में तो सेम ही था, एक में प्लस होता था एक में माइनस होता था, अब तो आपको याद ही नहीं है, वेलोसिटी ऑफ बोट और यहाँ पे मैन लिख सकते हैं, है ना, बोट में तो मैन ही बैठता है ना, ठीक है, बकरी तो बैठ के चलाएगी नहीं बोट को, तो बोट या मैन, है ना, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी ट्रिक्स है, हल्का ध्यान रखना होगा। तो फ्रेंड्स आपको याद ही नहीं आएगा कि कॉल मैन में प्लस होता था कि स्ट्रीम में प्लस होता था, कि मैन में माइनस होता था या स्ट्रीम में माइनस होता था, तो ये सब टाइप की कन्फ्यूजन फ्रेंड्स आएगी। तो आपको याद रखने की मैं तरीका बता रहा हूँ, हमेशा कहा जाता है बी पॉजिटिव, मैन को मतलब आदमी को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इसीलिए फ्रेंड्स मैन से पॉजिटिव आप याद रखेंगे तो वी डी प्लस वी यू डिवाइडेड बाई 2 या 1/2 इंटू वी डी प्लस वी यू, और जो बच गया स्ट्रीम तो माइनस तो होना ही है उसको, तो इससे फ्रेंड्स आपको याद करने में मदद मिल सकती है। तो इस टाइप की ट्रिक्स को भी आप अगर कुछ आपको अगर अपने मन में कुछ अगर याद रख सकते हैं तो आप ज़रूर उससे करें, ये मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, तो आप इस तरह से करेंगे। चलिए कुछ फ्रेंड्स को लगेगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं, स्पीड ऑफ बोट क्या है फ्रेंड्स, स्पीड ऑफ बोट क्या होता है, एक्स, यही तो फाइंड करना है आपको, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होता है, वाई होता है। तो चलिए हम पहले इसको देखते हैं फ्रेंड्स, एक्स इज इक्वल टू होता है ना, अगर इसकी वैल्यू अगर एक्स आ गई, इसकी वैल्यू अगर एक्स आ गई मतलब ये फॉर्मूला सही है, तो चलो 1/2 बी डी की जगह क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, एक्स माइनस वाई, और ये क्या होता है फ्रेंड्स, एक्स प्लस वाई, तो वाई से वाई चला जाएगा, तो 1/2 इंटू 2x, तो x 2 से 2 चला गया, तो देख रहे हैं फ्रेंड यहाँ क्या बचा, x बचा, और LHS और यहाँ RHS क्या हो गया आपका, LHS इज इक्वल टू RHS बराबर हो गया, तो ये इसका प्रूफ हो गया। तो आपको प्रूफ पे ध्यान नहीं देना है फ्रेंड्स, प्रूफ को ध्यान नहीं देना है, मैंने मैन को पॉजिटिव वाला बताया उस हिसाब से आप इसे याद रखेंगे। तो उसी तरह से आप y की वी डी की वैल्यू यहाँ से x प्लस वाई डाल दीजिए, यहाँ से डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की वैल्यू डाल दीजिए, और आप देखेंगे कि आपका LHS और RHS इक्वल हो गया है। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं ध्यान में रखनी है, मैंने बस ऐसे ही आपके साथ शेयर कर दिया। तो आपको मैन शुड बी, मैन को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैन से पॉजिटिव 1/2 इंटू वी डी प्लस वी यू, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं और अपने दूसरे ट्रिक को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स दूसरी ट्रिक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे काफ़ी बार जो है सो पूछा जाता है, तो आप इसे वी आई क्यू ही रख ले, है ना। तो चलिए पूछा क्या जाता है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसमें है क्या कि एक चीज़ है, जैसे कि ये आपकी बहाव है पानी की, तो वाटर फ्लो की ये डायरेक्शन है लेट से, तो आप यहाँ देखिए एक पॉइंट मैं यहाँ पे ए ले लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे बी ले लेता हूँ, ठीक है। तो
ए से बी के मैंने ये मिला दिया। अब क्या बोलता है कि एक नाव ए से शुरू होता है और चलते 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 बी पे पहुंच जाता है, फिर बी से चलना शुरू करता है और ए पे आके रुक जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं कि अगर ये लेट से डिस्टेंस मैं इसे डी मान लूँ, अगर मैं फ्रेंड्स इसे डिस्टेंस डी मान लूँ, तो आप देख सकते हैं कि अप डिस्टेंस इज इक्वल टू डाउन डिस्टेंस इज इक्वल टू डी है। तो आप फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं कि अप डिस्टेंस और डाउन डिस्टेंस दोनों यहाँ पे क्या है आपका एकदम से इक्वल है, ठीक है, और दोनों की वैल्यू लेट से हमने डी मान रखी है, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या दिया हुआ है कि अप टाइम दिया होगा फ्रेंड्स, अप टाइम दिया होगा है ना, और डाउन टाइम भी दिया होगा, डाउन टाइम भी आपको दिया होगा। तो पूछेगा आपसे इफ आस्क कि आप रेशियो बताइए मैंस स्पीड इन स्टिल वाटर बाय मैंस स्पीड इन मैंस स्पीड इन सॉरी बाय मैंस स्पीड इन स्टिल वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ स्ट्रीम या वाटर करंट। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि इसे हम लोग एक्स बोलते हैं और इसे हम लोग वाई बोलते हैं, तो हमें एक्स अपॉन वाई की वैल्यू चाहिए होती है इस केस में। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि जब अप डिस्टेंस और डाउन डिस्टेंस बराबर हो और अप टाइम और डाउन टाइम दिया हुआ हो तो एक्स बाई वाई की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ट्रिक ध्यान में रखेंगे, एक्स बाई वाई की वैल्यू होती है अप टाइम प्लस डाउन टाइम बाई अप टाइम माइनस डाउन टाइम। और फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि अप टाइम जो है सो डाउन टाइम से क्या होता है ऑलवेज बड़ा होता है फ्रेंड्स, क्योंकि अप टाइम में वेलोसिटी घट जाती है और वेलोसिटी घटेगी तो टाइम आपको ज़्यादा लगेगा उस सेम डिस्टेंस को कवर करने में। तो अप टाइम जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन होता है डाउन टाइम के। आप इसे कॉपी में अपनी किसी जगह नोट कर लेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपने ये सारा नोट कर लिया होगा। तो अब हम लोग इस चैप्टर की लास्ट और इम्पॉर्टेंट ट्रिक की ओर अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, तो इसे आप ध्यान में रखने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपसे कभी क्वेश्चन में पूछे कि एवरेज स्पीड ऑफ टोटल जर्नी, ठीक है, एवरेज स्पीड ऑफ टोटल जर्नी, ठीक है, तो फ्रेंड्स आप इसका तुरंत से इसको बनाने के लिए तो सॉरी फ्रेंड्स एक्चुअली जो है सो लाइट की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो चलिए मैं अगर आप मेरा फ्रेंड्स वो सेशन देखे होंगे जिसमें मैंने और ये टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ाया था कि जो फ्रेंड्स एवरेज जो स्पीड होती है टोटल जर्नी की वो क्या होती है फ्रेंड्स, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ठीक है। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम जो होता है, और मैं केस की बात करूं जो कि मैंने टाइम एंड डिस्टेंस में भी डिस्कस की थी, जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम होता है दो केस में, ठीक है। तो एक केस में अगर वेलोसिटी v1 है और एक केस में वेलोसिटी v2 है, तो फ्रेंड्स जो एवरेज स्पीड होती है हमारी वो 2 v1 v2 बाई v1 प्लस v2 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप बात करेंगे कि इस ये जब
फ्रेंड्स ये जो केस था जिसमें डी सेम है, अप जिसमें अप डिस्टेंस और डाउन डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ जो वी वन और वी टू फ्रेंड्स जो हमारी वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, अप क्या बोलते हैं उसको, अप स्ट्रीम रेट और डाउन स्ट्रीम रेट। तो अप स्ट्रीम रेट की बात करें तो अप स्ट्रीम में फ्रेंड्स क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम रेट में फ्रेंड्स क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई। तो वी वन और वी टू की जगह ये पुट कर दीजिए, तो वी वन और वी टू की जगह फ्रेंड्स अगर पुट करेंगे हम लोग तो टू इंटू क्या आएगा फ्रेंड्स, टू इंटू वी वन क्या है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू, तो क्या है एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से ये फ्रेंड्स कट गया और एक्स एक्स क्या हो जाएगा, टू एक्स। तो टू इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बाई क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, टू एक्स, टू से टू चला गया। और आपको पता है कि एक्स प्लस वाई क्या होता है फ्रेंड्स, वेलोसिटी इन अप स्ट्रीम, और एक्स प्लस वाई क्या होता है, वेलोसिटी इन डाउन स्ट्रीम, और यहाँ पे एक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ मैन इन स्टील वाटर। तो फ्रेंड्स इसको हम इस तरह से लिख पाएंगे कि वेलोसिटी इन अप स्ट्रीम इन टू वेलोसिटी इन, यहाँ पे फ्रेंड्स डी होगा, वेलोसिटी इन डाउन स्ट्रीम बाई एक्स। तो ये आपको फ्रेंड्स हमेशा मेमोराइज करके रखनी होगी कि इस तरह से हम लोग ये फार्मूला निकालते हैं। तो स्पीड ऑफ टोटल एवरेज स्पीड क्या होता है फ्रेंड्स, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अगर डिस्टेंस सेम हो तो डिस्टेंस सेम हो और दो डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज वी वन और वी टू से की गई हो तो एवरेज स्पीड की फार्मूला होती है टू वी वन वी टू बाय वी वन प्लस वी टू। और चूंकि हम लोग बोट और स्ट्रीम पढ़ रहे हैं तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए फ्रेंड एक बार अप स्ट्रीम होना होगा, एक बार डाउन स्ट्रीम होना होगा। तो अप स्ट्रीम के लिए जो अप स्ट्रीम रेट होगी फ्रेंड्स एक्स माइनस वाई होगी, डाउन स्ट्रीम रेट एक्स प्लस वाई होगी। आप इस बार चुपचाप बस अगर इस फॉर्मूला पे पुट कर दें तो वी वन की जगह एक्स माइनस वाई, वी टू की जगह एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई और यहाँ पे एक्स प्लस वाई। तो आप इसे ये सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो क्या आ जाएगा, वी यू मतलब एक्स माइनस वाई को हमने वी यू अप स्ट्रीम और एक्स प्लस वाई को वेलोसिटी इन डाउन स्ट्रीम बाई एक्स लिखा है। तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। तो फ्रेंड्स ये तीन चीज़ें जो है सो मैंने आपको जो यहाँ पे बताई है ये आपको फ्रेंड्स हमेशा ध्यान में रखना होगा। इसके बाद मैं सेकेंड वीडियो जो है इस पर फ्रेंड्स इसके प्रॉब्लम्स पे लाने वाला हूँ, कैसे इसको इस प्रॉब्लम्स को इसके सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आप इतना तीन कॉन्सेप्ट और जो मैंने पीछे बताया था फर्स्ट वाले पे वो अगर आप कॉन्सेंट्रेट करके अगर अच्छे से सीख लिए हैं तो बोर्ड की एक भी क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में नहीं छूटने वाली है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स के अमॉन्ग इसे शेयर भी करेंगे, और हमारी लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और जल्द ही मैं इसकी सेकेंड वीडियो पब्लिश करने वाला हूँ तो आप उसे ज़रूर देखिएगा।